नमस्कार न्यूज में मैं नीलम आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम मिलेंगे उनसे जिन्होंने अपनी पहली ही मूवी में धमाकेदार एंट्री की है, जिस मूवी का नाम है रॉ। और इस मूवी में बड़ी बड़ी स्टार कास्ट है और बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है इन्होंने, जो बहुत देखने लायक है, आप लोग देख के खुश हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आशीष चटर्जी से और जानते हैं इनकी इस पहली मूवी के बारे में। तो सर आप बताइए, आपकी जो पहली मूवी है, बड़ी धमाकेदार एंट्री की है आपने इसमें, थोड़ा सा बताइए मूवी में अपने कैरेक्टर के बारे में। जी, रॉ एक स्पाई मूवी है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और यहाँ मेरा किरदार है लेफ्टिनेंट जनरल ISI गाजी अली हयात। ये एक पाकिस्तानी ऑफिसर है जिन्होंने मतलब एक बदलीपुर ऑपरेशन जिस पे बेस ये मूवी है उसे अंजाम देने के लिए ये सारा जो जद्दोजहद है इस कैरेक्टर के ज़रिए से होता है। और ये एक स्पाई मूवी है, चूँकि स्पाई मूवी है और इसमें जो रॉ में है ये जर्नी है, एक स्पाई की जर्नी है। ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, हम जानते नहीं हैं। हम जेम्स बॉन्ड के बारे में सुने हैं, स्पाई है, लेकिन उनकी ज़िंदगी क्या है एक्चुअली, वो अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एक स्पाई एक अनसंग हीरो जिसको कहते हैं। मतलब इनकी सैक्रिफाइस इतना ज़्यादा है, इनका कोई नाम नहीं होता है, इन्हें कोई अवार्ड नहीं मिलता है, इन्हें अपने घर छोड़ना पड़ता है, अपनी आइडेंटिटी छोड़नी पड़ती है। अगर ये पकड़ा गए तो जिस देश का भी हो नकार देते हैं इन्हें। तो इनकी ज़िंदगी इतनी रिस्की है और ये देश के लिए ही काम करते हैं। मतलब आप सोचिए किस किस्म के इंसान होते हैं ये। सर ये मूवी में आपका कैरेक्टर बड़ा एंग्री यंग मैन टाइप, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो लग ही रहा है। ऑडियंस की तरफ से अगर देखा जाए तो ये कैरेक्टर नेगेटिव है, और कैरेक्टर की ओर से अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये अपने देश के लिए काम कर रहा है, ये अपने देश को जिताना चाहता है। राजनीति हर जगह होती है, तो यहाँ भी राजनीति है। खुद को चढ़ने के लिए जो जो बाधाएं हैं या जो जो अड़चने हैं उसे वो हटाता हुआ आगे बढ़ता है। और फिल्म के क्लाइमेक्स में इसकी दो प्रमोशन है, लेफ्टिनेंट जनरल गाजी अली हयात का एक प्रमोशन होता है ISI चीफ, उसके बाद क्लाइमेक्स में जाकर ये बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और राजनीति से याद है आपकी एक राजनीतिक एड हमने देखी है जिसका टॉपिक मेन है डैडी, तो बड़ा फनी टाइप है और कंफ्यूजिंग भी है, बहुत लोग समझ पाए बहुत लोग नहीं समझ पाए, तो इस एड के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दीजिए। हाँ जी, ये जुड़ा हुआ है तो राजनीति से, लेकिन इस एड का नाम है चूजर नॉट लूजर। ये है चैनल कॉमेडी सेंट्रल का। इस ऐड के ज़रिए हम ये कहने की कोशिश की है राइट टू वोट, मतलब अपना कैंडिडेट खुद चुनिए, किसी दूसरे पे मत डालिए। ऐसा ना हो कि कोई आके कहे कि ये आपका कैंडिडेट है। जागरूकता के लिए ये ऐड, राइट टू वोट। सर जैसे कि आपका एक ही लुक हमें देखने के लिए मिलता है, लुक तो एक होता ही है बट कैरेक्टर तो बहुत सारे आपने इसी लुक में किए हैं, तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी ये लुक चेंज करना पड़े या फिर किसी ने डिमांड की हो? फॉर्चुनेटली मैं बहुत लकी रहा इस मामले में कि मुझे आज तक जितना भी किरदार मिले हैं इसी लुक में मिले, और इसी लुक को मतलब इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया। कहीं विग था, कहीं पोनीटेल है, कहीं वायर क्लिप लगाया गया, तो लकी रहा उस। तो सर ये जानना है कि आने वाले प्रोजेक्ट्स आपके और क्या क्या हैं और क्या क्या आप आगे करने वाले हैं? जी, मेरी दो फिल्म है और जो रिलीज़ होने वाली है, एक है गुल मकाई, मलाला यूसुफजई पे बायोपिक है, वहाँ मैंने पाकिस्तानी स्कॉलर का किरदार निभाया है। ये है एक मौलाना गुलामुल्ला, और एक फिल्म है इंडी फिल्म है, यहाँ मैंने नेशनल ज्योग्राफिक फोटोग्राफर का किरदार निभाया है जिसका नाम है तथागत भट्टाचार्य। एक वेब सीरीज़ आने वाली है जिसकी मेरी शूटिंग करीब लगभग 90% ख़त्म हो चुकी है, काटल ओल्ड बालाजी की है,
ये इसमें मैंने माफिया का रोल अदा किया है, कर रहा हूँ। और भी कुछ है जो पाइपलाइन पे है? किरदार के हिसाब से देखा जाए तो इसी लुक में मैंने विक्रम भट्ट की वेब सीरीज स्पॉटलाइट 2 में म्यूजिक कंपोजर का रोल अदा किया है, रोनूदा। दिल संभल जा जरा जो स्टार प्लस में टेलीकास्ट हो चुका है, उसमें मैंने किया है कॉफी रीडर जिग्नेश शाह। यहाँ जैसे रॉ में लेफ्टिनेंट जनरल, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग किरदार हैं। वैसे TVC में भी काफ़ी अलग अलग किरदार किए हुए हैं। अभी तक तो हमने आपको एड शूट में देखा था और मूवी में देख के बहुत मज़ा आया आपको, लेकिन आपकी ये जो एक्टिंग की जर्नी थी, जो शुरुआत थी, वो कैसे हुई? बेसिकली थिएटर के ज़रिए से था, लेकिन थिएटर में मैंने बहुत ही कम मुझे मौका मिला ऑन स्टेज एक्टिंग करने का। थिएटर में मैंने ज़्यादातर बैक स्टेज की है, और बैक स्टेज में मैंने लाइट डिज़ाइन और लाइट्स एग्जीक्यूशन की है। इसके अलावा मैंने गुलजार साहब के साथ उनके प्ले में काम किया है खराशे, वहाँ मैंने एसोसिएट सेट डिज़ाइनर और इलास्ट्रेटर का काम किया हुआ है। काफ़ी शोज़ किए उनके साथ। क्रिएटिव के फील्ड में मैंने कला संगम नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बॉबी सेठी जी चलाते थे, अभी नहीं है, बहुत ही जीनियस इंसान थे, तो उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा रेस्पेक्ट, बहुत बड़ा ऑनर दिया था। पंडित बिरजू महाराज जी के 75th बर्थ एनिवर्सरी, उस वर्षगांठ में एक शो हुआ था, उस शो में मुझे स्टैम्प डिज़ाइन करने का मौका मुझे मिला था, जो एक बहुत बड़ा ऑनर है, जिसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार थे, इंटरनेशनल आइकॉन, पंडित जी खुद थे, पंडित बिरजू महाराज जी, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित अजय चक्रवर्ती, डॉक्टर त्रिचि शंकरन, चारों ने मुझे ऑटोग्राफ दिया उसमें। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकता हूँ मैं, मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। मतलब एक्टिंग में बचपन से इंटरेस्ट रहा है आपको? नहीं, एक्टिंग में बचपन से इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आर्ट में था इंटरेस्ट, डिज़ाइनिंग में था थोड़ा बहुत। मैं पेंटिंग करता हूँ, पेंसिल पोर्ट्रेट करता हूँ, डिज़ाइन वगैरह में था। तो मल्टी टैलेंटेड है आप? ये तो मैं नहीं कह सकता, कोशिश करता हूँ कि अच्छा काम करूँ बस। तो आशीष जी बताइए कि एक्टिंग में अभी तो आपने बहुत बड़ी मूवी की है जैसा कि, लेकिन और क्या अचीवमेंट्स ऐसे हैं आपके बॉलीवुड में जो आप अचीव करना चाहते हैं? ये तो बिगनिंग है, शुरुआत है। अचीवमेंट मतलब मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कला जगत में कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ, कुछ सम्मान मिले, नाम हो, लोग का मतलब मेरे किरदार की, जो भी मैं किरदार निभाऊं, उसकी तारीफ हो। नाम चाहते हैं आप? जी, हर कोई चाहता है। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के नमस्कार चैनल के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आपने यहाँ आमंत्रित किया है, और बहुत सारे ढेर सारे शुभकामनाएं आपको। नमस्कार।